अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैट उर्दू में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको अच्छी तरह मालूम है, हमारा 3D का आगाज हो चुका है। आज हम 3D की एक और क्लास लेने जा रहे हैं, वो क्या है, 3D फेस। 3D फेस एक ऐसी ऑप्शन है, एक ऐसी कमांड है ऑटो कैट के अंदर, जिसके थ्रू आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड शेप बना सकते हो। यानी कि जो शेप आपसे आसानी से नहीं बन रहा हो, अगर आप उसको सोच समझ के बनाएंगे 3D फेस के अंदर, वो बड़ा इजीली बन जाएगा। 3D फेस पे बेसिकली होता क्या है, आपको कुछ पॉइंट्स क्लिक करने होते हैं किसी जगह पे। जैसे आप वो कुछ पॉइंट्स अपने पास क्लिक कर दोगे, तो वहां पर क्या होगा, सर्फेस आपके पास पास बन जाएगा, शेप आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जस्ट उन पॉइंट्स के बारे में सोचना है, समझना है पूरी तरह से, फिर उसके ऊपर काम करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूं अपना 3D का लेसन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, हमेशा की तरह यू एन एंटर कर अपने कीबोर्ड से अपने यूनिट चेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फिट्स और इंच, ओके कर दें। देन अपने कीबोर्ड से डी एंटर करें, डी से क्या बनाता है, डायमेंशन। तो आप मॉडिफाइड के अंदर क्लिक करें और यहां से भी अपने इंजीनियरिंग फिट्स और इंच, यूनिट्स वगैरह सेटिंग वगैरह कर लें, ओके करके क्लोज कर दें। देन आप व्यू के अंदर चले जाएं, डिस्प्ले यूसीएस आइकन को ओरिजिन पे अनलॉक कर दें, इसे अनचेक कर दें, क्योंकि ये फिर आपको मूव नहीं करेगा, दाएं से बाएं आपको तंग नहीं करेगा। तो उसके बाद आपके पास, आप ऑलरेडी टॉप व्यू पे होते हो, आप एसडब्ल्यू एस्टोमेटिक व्यू पे चले जाएंगे स्टूडेंट्स। अब आप इस व्यू पे आ चुके हैं। अब यहां पर मैंने क्या करना है, अपने पास में कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देता हूं इस ऑप्शन को समझने के लिए। तो मैं एक बॉक्स ले लेता हूं, मैंने उसको एक पॉइंट दिया शिफ्ट एट द रेट, इस बॉक्स की वैल्यू देता हूँ 5 फिट्स एक्स है और 5 फिट्स ही वाई है। तो मैंने इधर यहाँ पर एक्स एक्स यानी एक्स को भी 5 फिट्स दे दिया, वाई को भी मैंने 5 फिट्स दे दिया, मैंने बॉक्स अपने पास बना डाला। अब आप क्या करें, इसको सेंटर इसका बना दें। मैंने इसको एक पॉइंट इधर दे दिया है और दूसरा पॉइंट मैं वापस यहां से इधर दे देता हूं, क्योंकि हमारी जो ऑप्शन है वो कौन सी है, ड्रॉ के अंदर जाएंगे, सरफेस पे जाएंगे, और ये देखें 3D फेस है। 3D फेस बताने के लिए मैं ये फंक्शन कर रहा हूं। और यहां पे मैं क्या कर देता हूं, शिफ्ट एट द रेट एक्स जीरो वाई जीरो जेड के अंदर मैं तकरीबन 3-4 फिट की एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, अपने पास इधर 3 फिट की एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मेरे पास ये 3 फिट की इधर लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहां पर आप बिल्कुल नीचे हैं। मैं अगर इसको मूव करके आपको दिखाई दूं, तो देखिए ये लाइन आपके पास की कुछ ऐसे लगी हुई है, आपके पास ये आपका नीचे बेस आ जाती है, फिर उसके बाद हाइट के ऊपर चले जाएं तो आपके पास यहाँ पर एक एंड पॉइंट इसका आता है लाइन का। तो इनके अंदर हमने आज कंट्रोल करना है इस ऑप्शन को। अब आप इधर आ चुके हैं, आप ड्रॉ के अंदर जाओगे, सरफेस के अंदर चले जाएं, आपके पास ऑप्शन है 3D फेस, आप इधर क्लिक कर दें। जैसे आपने क्लिक किया, अब कहेगा 3D फेस का फर्स्ट पॉइंट बताएं किधर है, आप इसको एक पॉइंट इधर दे दो। देन ये आपसे सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है, आप इसको सेकेंड पॉइंट टॉप पे दे दें जाके यहाँ पे। देन ये आपसे थर्ड पॉइंट पूछता है, आप इसको यहां पर दे दें। अब क्योंकि बेसिकली आपसे 4 पॉइंट पूछती है 3D कमांड की ऑप्शन, और 4 पे जाकर आप इसे एंटर कर दो। जैसे मैंने इसको एंटर किया, अब आप शेड पे जाएं, तो ये देखा आपने, आपके पास एक स्लाइसिस शेप बनी हुई आ चुकी है। ये देखें, अगर आप इसको दाएं से बाएं मूव करें तो ये आपके पास एक स्लाइस शेप बनी आ चुकी है। लेकिन यहां पे वो इसी शेप की गलत क्लिक हो गई है, क्योंकि मैं इसको एंड पॉइंट यहां पे देना चाह रहा था। तो 3D फेस का सबसे बड़ा फायदा यही है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कॉर्नर से पिक करें, करने के बाद आप इसको इजीली किसी भी दूसरी जगह पर क्लिक कर सकते हैं। देखें, मैंने इसको क्लिक कर दिया, अब आप इसको दाएं बाएं देखें घुमाकर, तो आपके पास बिल्कुल स्लाइस शेप बनी हुई है, परफेक्ट। फिर देखिएगा, मैं यहां पर चला गया। 3D फेस का सबसे बड़ा फायदा यह है, आप इसके पॉइंट्स को दाएं से बाएं मूव कर सकते हो। देखें, आप जिधर भी मूव करेंगे उधर शेप बन जाती है आपके पास। तो मैं इसको ये देता हूं। अब गेंद देखें, ड्रॉ के अंदर जाएं, सरफेस के अंदर आ जाएं, और ये आपके पास ऑप्शन है 3D फेस, 3D फेस के ऊपर चले जाएं। इसको आप एक पॉइंट यहां पे दोगे, दूसरा पॉइंट इसको ऊपर दोगे, तीसरा पॉइंट आप इसको नीचे देंगे, और सिंपली आप स्पेस या एंटर लगा दें तो चौथा पॉइंट खुद बहुत अप्लाई हो जाएगा। अब मुझको दूसरी तरफ इसको ड्रॉ करना है, तो अपना व्यू चेंज करेंगे। आपके पास ये जो आपके पास 3D व्यूज है आपके, एस्टोमेटिक व्यूज पे क्लिक करें। अब देखिए, मैंने इसको व्यू चेंज किया, अब मेरे पास इस तरफ को आ चुका है। अब अगेन आपने क्या करना है, अगेन आप ड्रॉ के अंदर जाओ, आप सरफेस के अंदर चले जाओ, और यहां पे आपके पास ऑप्शन है 3D सरफेस की, 3D फेसेस की,
और इसको क्या है, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट आपके पास ये रहा, तीसरा पॉइंट आपके पास ये रहा, एंटर कर दें, आपके पास ये शेप आ जाएगी। इस तरह से अगेन आपने अपना व्यू चेंज किया, इधर आ जाए और 3D फेस ड्रॉ के अंदर चले, सरफेस के आ जाए और ये 3D फेस है। 3D फेस की जो शॉर्टकट बनती है वो आपके पास है 3F। अपने कीबोर्ड से अगर आप एंटर कर दें 3F तो वो 3D फेस की ऑप्शन हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये शेप बनी आ चुकी है। अब मैं इस शेप को आपको घुमाकर दिखाना चाहूंगा। तो देखिए मेरे पास ये बिल्कुल परफेक्ट 3D शेप बनी आ चुकी है। आउटस्टैंडिंग। इसी तरह से अगर आप मजीद कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं इसी के थ्रू, हम एक और ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे मैं फिर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं और इस मरतबा मैं इसकी वैल्यू कुछ बड़ी दूंगा। मैं देता हूं 15 फिट्स और 15 फिट्स, यानी कि मैंने इसको एक्स को भी 15 फिट्स दे दिया और मैंने वाई को भी 15 ही फिट्स दे दिया। अब आप क्या करें, यहां पे एक और प्लस बना डालें। ये प्लस बेसिकली मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे यहां पे सेंटर चाहिए। तो ये एक इजी मेथड है सेंटर लेने का। आप रेक्टेंगल उठा लें और इस रेक्टेंगल को मैं दे देता हूं तकरीबन नियर अबाउट 6 इंच और 6 इंच। 6 इंच बहुत छोटा हो चुका है और आर इसी रेक्टेंगल मैं इसको दो दो फिट्स का बना लेता हूं। तो मैंने ये दो दो फिट्स का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। आप इसको भी सेंटर पॉइंट बनाएं और मूव करें इस लाइन से, उठाकर सीधा इसको दे ले आए क्योंकि ये मैंने इसको सेंटर के लिए लाइन बनाई थी। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब एग्जाम्पल सेम टू सेम यही है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर 4 पॉइंट्स हैं। आप इसको भी मूव करें शिफ्ट एट द रेट। मैं इसको एक्स पे भी नहीं मूव करूंगा, वाई पे भी नहीं मूव करूंगा, जेड पे तकरीबन में से 8 से 6 फिट्स में से मूव कर देता हूं। तो मैंने इसको 8 फिट्स मूव कर दिया जेड पे। अब अगर आप यहां पे जाके देखें इसको तो अगेन आपको देखिए ऊपर नजर आएगा ये। अब आप टॉप पे क्लिक करें और यहां पे क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ड्रॉ के अंदर जाए, सरफेस के अंदर जाए और 3D फेस के अंदर। इस मरतबा मैं शॉर्टकट अप्लाई करता हूं, 3F कीबोर्ड से एंटर कर दे। मैंने एंटर किया, अब देखें एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट रहा और ये चौथा पॉइंट रहा। अब देखा आपके पास ये बन गया इस तरह से। एक मैं अंडू कर देता हूं, मुझसे मिस्टेक होगी इस पॉइंट की। वापस आप आ जाए 3F कीबोर्ड से 3F एंटर कर दें। अगेन 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स मैंने इसको दे दी है। चेंज करें अपने व्यू को। मैंने चेंज किया व्यू को, 3F 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स मैंने दे दी यहाँ। अगेन मैंने व्यू को चेंज किया, आप इधर आ चुके हो यहाँ पे। आप 3F एंटर कर दें कीबोर्ड से 3D फेस के लिए, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स आपने दे दिए हैं। देखें तो क्या हुआ, आपके पास अगेन ये परफेक्ट शेप बनी हुई आ चुकी है। यानी कि इससे आप अपनी थिंकिंग के मुताबिक किसी किस्म की भी शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। देखा आपने डियर स्टूडेंट्स, वापस में टॉप के पर गया और अपने व्यू वापस सेटिंग में ले आता हूँ। ये मेरे व्यू वापस सेटिंग्स में आ चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं यहां से पॉलीगॉन उठा लेता हूँ, मैं इसको 8 शेप दे देता हूँ, लेट्स से एच दे देता हूँ ई, एक पॉइंट इधर दे दिया मैंने और दूसरा पॉइंट मैंने उसके अंदर ये दे दिया और मैं इसका मिडल का एरिया ले लेता हूँ एट द रेट x0 y0। जेड में से देता हूँ तकरीबन 5 फिट्स की वैल्यू दे देता हूँ। ये मेरे पास 5 फिट्स आ चुका है और फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक ही साइड है, दूसरी साइड नहीं है। 3F 3D फेस के ऑप्शन लगाएं, 1 2 3, देखें 1 2 3, एंटर कर दें, फिर आ जाए 1 2 3, ये है, फिर आ जाए 1 2 3, ये देखें 1 2 3, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या हुआ, फिर कुछ शेप बन चुकी है। अब ये शेप्स कैसी बन रही हैं, क्योंकि अभी तक हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया, अभी तक मैं आपको एक कमांड समझा रहा हूँ वो कैसे काम करेगी, क्या उसका तरीकेकार होगा। तो जस्ट आप ये सीखते जाएं ये कमांड कैसे काम कर रही है, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कोई छत बनाना है, अब वो कैसे बनाएंगे, मैंने कहा एट द रेट मेरे पास 50 फिट्स एक्स है और 85 फिट्स मेरे पास वाई भी है। मैंने इसको एंटर कर दिया,
देखिए मेरे पास ये आ चुका है बॉक्स बना हुआ 50 50 फीट्स का। अब आपने क्या करना है, एक लाइन उठा लें, इस तरफ को भी ले लें और यहाँ से इस तरफ को ले लें, और मैं इसे ऑफसेट दे देता हूँ 15 15 फीट्स के मुताबिक दे देता हूँ, 15 फीट से इस तरफ को दे दें, 15 फीट दे दें, एक लाइन उठाएं मिडल से, शिफ्ट एट द रेट x0 y0 और z पे मैं तकरीबन इसे 15 से 12 फीट दे देता हूँ वैल्यू। मैंने उसको 12 फीट दे दी है और सेम टू सेम ये वैल्यू मुझे इधर भी चाहिए। हो गया, मेरे पॉइंट्स बन चुके हैं, ये 0 एक्सिस पे और ये z एक्सिस पर पॉइंट्स बने हुए हैं। अब क्या करेंगे आप, 3F कीबोर्ड से एंटर करें, ये इनकी ड्रॉ के अंदर जाएं, सरफेस पे जाएं और 3D फेस को उठाएं, इसके 1 2 3 एंटर कर दें, ठीक है, वापस इधर आ जाए, 1 2 3 4 एंटर कर दें, वापस इधर आ जाए, 1 सॉरी यहां पे 1 2 3 और ये 4 एंटर कर दें। अब ये पॉइंट आपको ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा, व्यू चेंज करें, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जहां से आपको कोई चीज ठीक नजर नहीं आ रही व्यू फौरन चेंज करें, 3F एंटर कर दें, शॉर्टकट है 3D फेस की, 1 2 और ये आपने 3 एंटर किया, तो देखें आपके पास एक और ये शेप बनी हुई आ चुकी है। तो 3D फेस से बहुत किस्म की शेप्स बनाई जाती हैं, बहुत तरह के काम किए जाते हैं। अभी मैं जो आपके सामने एक प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, एट द रेट 50 फिट्स एक्स है और 85 फिट्स वाई है, इसके अंदर तो आपको परफेक्ट 3D का लॉजिक क्लियर हो जाएगा, आपको 3D फेस की पावर कंफर्म हो जाएगी, आखिर इसकी पावर क्या है, ये काम कितना पावरफुल करता है, कैसे करता है, देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहां मैं क्या कर लेता हूँ, वापस मैं अपने पास कुछ लाइन ड्रॉ करता हूँ, मिडल पे आ जाऊंगा, याद रखिएगा 3D फेसेस के ऊपर जितना भी काम होता है ये आपके 2D की बेस पे होता है, अगर आपने किसी चीज की 2D को सोच लिया है तो 3D फेस से उसका काम, क्योंकि 3D फेस का काम होता है जस्ट क्लिक्स करना, एक्स एट द रेट x0 y0 z पे मैं 40 फुट की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वापस में इधर आ गया, यहाँ पे कॉर्नर्स पे एट द रेट x0 y0 यहाँ पर मैं 30 फिट्स की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और यही लाइन मुझको सेम अगेन चाहिए यहाँ पे, तो इसको उठाकर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये इस तरफ भी आ चुका है, अब मेरे पास देखें ये 3 पॉइंट्स बने हैं, मेरे पास जो मिडल वाला पॉइंट है ये 40 फिट्स पर है, मेरे पास ये जो पॉइंट है ये 30 फिट्स पे है, फिर मेरे पास ये 0 का पॉइंट है, अगेन यही फंक्शन में बार बार रिपीट करूंगा, तो देखते हैं हमारे पास क्या शेप बनती है। 3F एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से, या अगर आप 3F नहीं एंटर करना चाहते हो, ड्रॉ के अंदर जाएं, सरफेस पे जाएं, 3D फेस के ऊपर जाएं, आप 0 की क्लिक करें, फिर आप 30 फुट्स के ऊपर क्लिक करें, फिर आप 40 फुट्स के ऊपर क्लिक करें, अगेन 0 पर क्लिक करते हैं, तो देखें आपके पास एक कर्व बना, ठीक है, वापस 1 2 3 4 एंटर कर दें, अपने व्यू को चेंज कर दें, क्योंकि इस लेसन में मेरा मकसद आपको स्टेप बाय स्टेप व्यूज को चेंज करके उनके ऊपर काम बताना। वापस आप इसको इधर ले आए कॉर्नर्स पे, 3F 3D फेस मैंने लगा दिया शॉर्टकट, 1 2 3 4 देखें, अब 4 वाला पॉइंट्स मुझसे थोड़ा सा गलत हुआ, तो मैंने कहा था इसकी पावर क्या है, अगेन आप इसको पकड़कर दाएं से बाएं कर सकते हो, अगेन 3F 3D फेस, 1 2। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही पावरफुल कमांड हम कर रहे हैं, मुझे तो ये कमांड बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत इससे मैं डिफरेंट किस्म की शेप्स बना लेता हूँ, अगेन इधर आए। अब मैं जब यहां पर लाइन लगाऊंगा, लाइन के पीछे जब लाइन होगी तो आपको दिखाई नहीं देगी, तो आप क्या करें इस लाइन को मूव कर दें, 30 फिट्स वाली को मूव करके दे लें, तो ये मेरी वन ऑफ फेवरेट ऑप्शन है 3D के अंदर, 3D फेस, 3F एंटर कर दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब फिर इसको मूव करें, अब ये जो शेप बनने जा रहे हैं आप सोचें ये क्या चीज होगी, उस हद तक मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं, लास्ट शेप को भी आप सोचें मैं क्या बना रहा हूं, 3F 3D फेस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब शायद मुझसे ये पॉइंट अगेन गलत हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको पिक करेंगे जस्ट
और पिक करने के बाद इसको ओरिजिनल जगह पर इसकी असाइनमेंट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक शेप बनी है, मैं आपको चारों तरफ से इसका व्यू दिखाता हूँ। देखें तो सोचें क्या है जी, सोचें डियर स्टूडेंट्स, सोचें 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 ये क्या शेप है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है, एक बिल्कुल फैसल मस्जिद की ये शेप बनी हुई मेरे पास आ चुकी है। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, मैंने इसके रूफ को जो डिजाइन किया है वो मैंने बिल्कुल 3D फेसेस की बिल्कुल सिंपल ऑप्शन से कुछ मैंने क्लिक्स किए हैं, उन क्लिक्स की मदद से मेरे पास ये फैसल मस्जिद का डिजाइन क्रिएट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो पावर है, ये वो चीज है 3D फेसेस के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, पावर या जो कुछ भी है वो आपके माइंड के अंदर है, आपकी 2D के अंदर है। अगर आपका 2D पावरफुल होगा तो 3D के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस नहीं हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेसन के अंदर मैं मजीद इसी ऑप्शन को द्वारा से 1 सेकेंड्स के अंदर आपको बताऊंगा, 2 सेकेंड्स के अंदर आपको बताऊंगा कि एक यही डिजाइन फैसल मस्जिद वाला 2 से 3 क्लिक्स के अंदर कैसे आप बनाते हो, फिर इसके साथ साइडों पे जो आप शेड लगाते हो वो आप कैसे लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन तक के लिए इजाजत दें। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको XP Academy की तैयार करता AutoCAD की फुल DVD विद 2D प्लस 3D अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 03-43-901-7779 पे, या डियर स्टूडेंट्स आप हमें कॉल ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पे, या हमें Skype पे ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy के नाम से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।